आ गया हमारी जान का साहब। अम्मा मालिक मकान को मुंह तो दो जाके, वरना वो और गुस्सा करेगा। मैं उस बदतमीज के मुंह नहीं लगना चाहती, समझी? वो भी तो यही कहता है कि मुंह लगने की नौबत ही क्यों आने देती हो, दे दिया करो ना उसे महीने के महीने किराया। अच्छा आप जाके उस बदमाश का मुंह तो बंद करो। जाओ। कौन है भाई? पता नहीं, अरे भंग पीकर सोते या पैसा देते हुए दम निकल जाता। सलाम राजा भाई। दूसरा महीना चढ़ने को आ गया है, क्या अब भी आवाज नहीं आएगी? नहीं नहीं, अम्मा की तबीयत सही नहीं थी ना, तो उन्हें सुला रही थी। उस बुढ़िया को तो एक ही बार सुला दो, तुम्हारी भी जान छूटे और मेरी भी। अल्लाह ना करे राजा भाई, कैसी बातें करते हो? अच्छा अल्लाह कौन सा मेरे इंतजार में बैठा हुआ है। अब क्या दोनों महीनों किराया एक साथ दोगी क्या? अम्मा ने पीर का कहा था ना आपसे। उस पीर को तो गुजरे हुए भी एक महीना हो गया। नहीं नहीं, अब जो आने वाला पीर है ना, उसमें मैं आपको आपके सारे पैसे दे दूंगी, वादा है मेरा। ये वादे सुनते हुए तो मेरे बाल सफेद हो गए। इस बार ऐसा नहीं होगा राजा भाई, ये मैं कह रही हूँ। तू कौन सी ईमानदार है, 3 महीने पहले तूने वादा किया था और खुद जाके लड़कर महके में बैठ गई थी। क्या करूँ, मजबूरी थी ना। देख मैं तेरी जबान पे जा रहा हूँ, अब की अगर पीर से मंगल हुआ ना तो सारा सामान गली में नजर आएगा, बोले देता हूँ। हाँ हाँ, की बातें सुनने के लिए मैं रह गई हूँ इस घर में। ऐसा सब कुछ मिनटों में बदल गया। अरे जब तक बशीर था तो मुझे कांटा भी चुभने नहीं दिया उसने सारी जिंदगी। तुम्हारा रऊफ किसी कांटे से कम है क्या? देखने में तो हट्टा कट्टा, पर काम नहीं करूंगा। अरे तुझ मनहूस की नजर लगती है उसे, जहाँ नौकरी पे जाता है 5 दिन बाद छुट्टी हो जाती है उसकी। इसलिए कि 5वें ही दिन अगलों को इत्तला हो जाती है, इंसान का बच्चा लग तो रहा है पर है नहीं। दफा कमबख्त, जब देखो कान भरती रहती है माँ के बेटे के खिलाफ, खाती भी उसी का है, बनती भी नहीं उसकी। मेरे ही नसीब फूटे थे जो मैंने इस कमबख्त से शादी कर ली। और अम्मा जरा मुझे ये तो बताना कि आज तक कितना खिला दिया तुम्हारे लड़के ने। खुद तो जाके बाहर रोजाना छीपा के दस्तरखान से बकरे का शोरबा सूट कर आ जाता है, और हम सब घर वाले जाए जहन्नुम में। और सायरा ने माशाल्लाह पूरा घर संभाला हुआ है, वो नजर नहीं आता तुझे? हाँ तो यूँ कहो ना कि दर हकीकत सायरा तुम्हारा लड़का और वो रऊफ तुम्हारी लड़की है। अरे तो क्यों शादी की थी मेरे बेटे से? क्योंकि उस वक्त भी वो कमीना मुझसे झूठ बोलकर खाली जेब में अपमान तोड़कर लाने की बातें करता था। और तू मोहब्बत के रसगुल्लों में से शीरे की तरह टपकी थी उसपे। खुदा के लिए अम्मा चुप हो जाओ। दिन भर थक हार कर यहाँ घर में आराम करने के लिए आती हूँ, और तुम लोग रोज यहाँ लड़ने के लिए बैठे होते हो। चल दफा खड़ के आए, चल बैठ जा मेरा बच्चा, बैठ। रहने दो अम्मा, तुम्हारी भी ये रोज की बातें। वालेकुम अस्सलाम, मुझे पता था आज हफ्ता है, तुम जरूर आओगे।
अरे सरकारी नौकरी का यही तो फायदा है, देखो हाफ डे मिल जाता है। ये ले चना पापड़ी। बंसोड वाली है ना? हाँ हाँ, इकबाल के हाथ की है। इतना फिट करके मसाला डलवाया ना कि खाते ही कानों में से सीटी बजने लगेगी। बस अब चाय भी जरा फिट करके हो जाए तो फिर बात। जब लड़की फिट होगी तो चाय भी फिट होगी। लेके आती हूँ। बैठ बेटा बैठ। क्या आज ये बता के तेरी अम्मा ने क्या सोचा? अरे खाला सोचना कहेगा, अपनी सहूलत पे है। अरे भाई फिर भी कोई सलाह मशवरा कुछ? ओ मंगनी करते हुए बड़े मशवरे लिए थे मैंने, जो अब शादी करते हुए लूंगा। और वैसे भी मैंने सायरा को बोल दिया था कि ईद के बाद तक का दिमाग बना ले शादी के लिए। अच्छा सास के साथ मशवरे नहीं, मंगेतर के साथ फैसले हैं? अरे खाला तुम्हारे मशवरे के बगैर थोड़ी ना ले जाऊंगा तुम्हारी बेटी। देख भाई अगर अपनी माँ की तरह मुझे नजरअंदाज किया ना तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ खाला ऐसा हो सकता है कभी? हेलो देखो खटके से पहचान जाती हूँ, मेरी सहेली आई है, मैं जरा उसको देख के आती हूँ। तू बाहर बैठ जा, चाय वाय पी, बातें लाई होगी मोहल्ले की इकट्ठी करके। हाँ हाँ ठीक है, आराम से बैठ के बातें करना। हाँ उसके पेट में मरोड़ उठते हैं जब तक पूरा ना कह दे मुझे सब कुछ। एक तो तुम्हें भी ना मेरे बगैर चैन नहीं आता। अरे तुम ही तो मेरा चैन हो, मेरा सुख। अच्छा बस बस फिल्म एक्टर बनने की जरूरत नहीं है। एक्टर वैक्टर क्या बेचते हैं मेरे सामने? उन्हें भी पता है कि तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। कि तुमने फिर से मेरा रिकॉर्ड लगाना शुरू कर दिया। अरे ये तो मेरा रिकॉर्ड है कि आज तक तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं लगाया। एक बार तुझे रुख्सत करके अपने घर ले आऊं, फिर देखना क्या करता हूँ तेरे साथ। क्या करोगे तुम? अपनी अम्मा के हवाले कर दूंगा, वही सही करेगी तुझे मार मार के। खैर ये तो बता कल फिल्म का क्या सीन है? कौन सी फिल्म? अबे भूल गई, कल फिल्म देखने का प्लान बनाया था। हाँ नहीं मेरा मुश्किल होगा, कल फैक्ट्री में ओवर टाइम है ना तो मैं नहीं जा सकूंगी। अबे लानत भेज इस ओवर टाइम को यार, जिंदगी को जिंदगी की तरह गुजार, मशीन की तरह नहीं। जब तुमसे शादी हो जाएगी ना तो फिर जिंदगी गुजारूंगी, अभी तो मजबूरी है ना, समझा करो। मजबूरी है नहीं, तुमने बना रखी है, एक जवान भाई है घर में, हट्टा कट्टा कुछ काम वाम क्यों नहीं करता वो? इस घर को चलाना उसकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। सोचो अभी क्या हाल है? अरे आ गए तो फिर कैसा रहा नौकरी का पहला दिन? बहुत ही घटिया माहौल था फैक्ट्री का। क्यों ऐसा क्या हो गया वहाँ? भाई ये पूछो क्या नहीं हुआ, जब भी फोन करने के लिए भाई निकलता था, सुपरवाइजर आकर मेरे सर पे सवार हो जाता था। फैक्ट्री में फोन सुनना फैक्ट्री के कानून के खिलाफ है। हाँ तो ठीक कहते हैं ना फैक्ट्री वाले, तुमने भी तो फोन में इतने लंबे लंबे पैकेज करवा के रखे, वो लोग तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं, तुमसे मेहनत तो करवाएंगे। ये फैक्ट्री के जालमाना कवानीन है ना, ये मेरे मिजाज के सख्त खिलाफ है। हाँ जो तुमसे मेहनत करवाए ना वो तुम्हारे लिए जालिम हो जाता है, सुरखाब के पर्जो लगे हैं तुमने। अच्छा ना मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया में जो लोग काम करते हैं उनको पर लगे हुए हैं? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम्हें कोई काम नहीं देता। तो ना दे, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ? हाँ तुम कौन सा मरे जा रहे हो, तुम क्यों मरोगे? मर तो मैं रही हूँ, तरस तो मैं रही हूँ ना हर हर चीज को, 2 साल हो गए इन दो जोड़ों को भुगतते हुए, ना कभी कोई चूड़ी ला कर दी ना कोई बुंदा। आप देखो रानी, जो कांच की चूड़ी होती है ना वो टूट जाती है, रही बात सोने की चूड़ी की वो हम ले नहीं सकते, और कपड़ों का फैशन तो आए दिन बदल जाता है। अब देखो अगर मैं तुम्हें कोई जोड़ा ला के दूंगा ना तुम फौरन बोलोगी आसारी कदीमा के दौर का जोड़ा ला के दिया मुझे। अरे हर बात में कीड़े निकालती हो तुम मेरे। सही कह रहे हो, तुम्हारी हर बात पूरी हो रही है ना इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करूंगी तुमसे जब सायरा की शादी हो जाएगी,
फिर देखूंगी क्या करते हो तुम। पैसे होंगे तो शादी होगी ना। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है मैं जा रही हूँ अपने मैके, जब सब कुछ यहाँ ठीक हो जाएगा ना तो आ जाऊंगी। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? देखो मेरी बात सुनो, जब तक सायरा हमारे साथ है हमें कुछ नहीं हो सकता। भाई मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने सायरा जैसी इतनी अच्छी बहन दी। मैं तो कहता हूँ हर भाई की ऐसी बहन होनी चाहिए, हर हाल में हमारा साथ देने को तैयार है। कितनी गिरे अम्मा। अम्मा अरे क्या बात है? अम्मा मैं जा रही हूँ। अरे इतवार के दिन कहाँ जा रही है? पता तो है अम्मा, आज ओवर टाइम होता है। अरे हाय मुझे तो याद ही नहीं रहता, तुझसे कितनी दफा कहा है कि हकीम साहब ने कहा है कि 7 बादाम रात को भिगो के सुबह को खा लिया करो, याददाश्त ठीक हो जाएगी। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए अम्मा, और तुम्हें बादाम खाने की सूझ रही है? अरे मैं कौन से चस्के लेने के लिए मांग रही हूँ, इलाज की गर्ज से मांग रही हूँ। अल्लाह माफ करे, अब औलाद के आगे हाथ फैला फैला के ही मांगना पड़ा है। अच्छा ले आऊंगी, तंज मत किया करो। अरे हाँ मैं भूल गई, वो राजा आया था, याद है मुझे किराए का, दरवाजे पे फिर बकबक करके गया है बहुत। तो कह दो ना उसको कि 1-2 दिन में जब तनख्वाह मिल जाएगी तो किराया दे देंगे उसे। पीर का कहा है वैसे मैंने उसे। हाँ तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है। वो आम तो अब सस्ते हो गए होंगे ना? नहीं अम्मा, अभी भी 50 रुपए किलो से कम के कहीं नहीं मिल रहे। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, अब इतने महंगे कौन खाएगा। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए आम भी ले आऊंगी और बादाम भी। खुदा हाफिज़। तुम्हें फूलों का रंग अच्छा लगता है या उनकी खुशबू? ना ही फूलों की खुशबू और ना ही फूलों के रंग। तो फिर तुम? तेरी यही बातें तो दीवाना किए देती है। फैक्ट्री में भी सब लोग यही कहते हैं। एक बात सुन, ये मेरे सामने औरों का जिक्र मत किया कर। वजाहत साहब तो मुझे इतना प्यार करते हैं कि बस मत पूछो। ये वजाहत कौन है? हमारी फैक्ट्री के अकाउंटेंट, बहुत अच्छे इंसान है। अगली बार उसी के साथ आना पार्क। अरे अरे सुनो तो सही, ये नहीं पूछोगे कि वो और क्या चाहते? मैं क्यों पूछूं? बुद्धू वो ये चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाएं। मेरे अब्बा की उम्र के हैं वो, और तुम क्या समझ रहे हो कि मैं किसी 18 साल के लड़के का जिक्र कर रही हूँ? एक बात सुन, मैं तेरे सिवा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और कोई तेरी तरफ आंख उठा के देखे ये मुझे गवारा नहीं है। हाँ पहली बात तो समझ में आती है, लेकिन दूसरी बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं तो जिसको देखती हूँ नजर उठाकर ही देखती हूँ ना। अब चलो भी देर हो रही है। अम्मा कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। बैठ में लेके आ रही हूँ, जल्दी आ। ये ले। अरे ये क्या अम्मा, फिर दाल चावल? बड़े खजाने रखे हैं ना मेरे पास, जो तेरे लिए रोज बिरयानियां पकाऊं, खा सबर करके। क्या बना तेरी नौकरी का? नौकरी तो मिल गई है, तनख्वाह भी अच्छी है। जब सब कुछ अच्छा है तो फिर मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? नौकरी के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल होगी तो नौकरी मिलेगी ना। अरे तो कहना अपने कंपनी वालों से तुझे स्कूटर दिला दे,
फिर तेरी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा करके काट ले। अरे अम्मा इतना अच्छा कोई नहीं होता। ऐसे मोटरसाइकिल तो तू भी दिला सकती है। अम्मा दिला देना। बड़े खजाने दफन है ना मेरे पास। शर्म तो नहीं आती फरमाइशें करते। अच्छा अम्मा तू ना दिला, सायरा से बोल दे, उसने अपनी शादी के लिए बहुत सारे पैसे जोड़ रखे हैं। अरे देख अम्मा, अगर मुझे नौकरी मिलेगी ना तो मैं उसकी शादी भी तो करवा सकता हूँ। अरे वो अगर इतनी सखी होती ना तो सबसे पहले मालिक मकान के मुंह पे किराया मारती। अम्मा तुम मांग कर तो देख उससे। आए, अब ये वक्त आ गया है कि मैं औलाद के सामने हाथ फैलाऊं, है ना? ठीक है, कोई ना बने मेरा सहारा, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले अम्मा, मैं ये नौकरी हाथ से नहीं जाने दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा चल अब खाना खा ले। वो दिखा दाल चावल। कमबख्त ना शुक्र कहीं का। यहाँ खड़े हो तुम? ऐसा भी क्या जरूरी काम था तुम्हारी वजह से जल्दी में रिक्शा करना पड़ा मुझे? हाँ वो मेरी अम्मा ने अल्टीमेटम दे दिया है कि इसके कौन बात शादी करनी है। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? तुम्हारे और मेरे दरमियान तय हो चुका है ना कि ईद के बाद रुखसती रखेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन याद है ना पिछली बार भी तेरी अम्मा वादा करके मुकर गई थी। हाँ उस वक्त तो मजबूरी थी ना। एक इस बार कोई मजबूरी वजबूरी नहीं चलेगी। तुझे बता दूं मेरी अम्मा ने पहले ही अपने भाई की लड़की ताड़ रखी है, उसको तो बहाना चाहिए बस। इधर तुम लोगों ने देर की, उधर वो मेरी शादी अपनी मर्जी से कर देगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, तुम कहीं जाकर दिखाओ, जान से मार दूंगी तुम्हें। देख भाई इस बार अगर देर हुई तो फिर मुझसे शिकायत मत करना। ठीक है, खुदा हाफिज़। ले आ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे ला रही हूँ, सबर तो कर। अरे ये ले बिरयानी का, शिकायत कर रहा था ना रोज दाल खिलाती हूँ। क्या बात है अम्मा, रंग तो बड़ा अच्छा बिरयानी का। मम्मी तो आओ ना अम्मा। आ रही हूँ आ रही हूँ। बोले वाह वाह क्या बात है अम्मा, मजा आ गया। ये लो। आज तो सलाद भी है रायता भी है, खैर है माँ।
पैसे कहाँ गए मेरे? अम्मा मेरे पैसे कहाँ गए? अम्मा 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 मेरे पैसे गायब है, अलमारी में से कहाँ चले गए? अरे बेटा जाके देख, अच्छी तरह वहीं पड़े हो। अम्मा पूरी अलमारी में देख लिया, कहीं भी नहीं है। मेरे पैसे घर से गायब हुए। तुमने तो नहीं देखे मेरे पैसे कहीं? पागल हो गई हो क्या? मेरा तुम्हारे पैसों से क्या ताल्लुक? तो क्या पाँव लग गए पैसों को? पैसे खुद भाग कर चले गए। अम्मा चोर घर में से ही है, बाहर का बंदा नहीं है। अम्मा मेरे जहेज के पैसे से 2 साल से जमा कर रही हूँ मैं। अम्मा अम्मा ईद के बाद सलीम के घर वाले शादी की तारीख तय करने आ रहे हैं, मैं क्या करूँगी बताओ मुझे? कहाँ गए मेरे पैसे? अम्मा इसने चुराए मेरे पैसे, यही चोर है। अम्मा अम्मा इसी ने चुराए मेरे पैसे, कुछ करो अम्मा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अम्मा 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 इसी ने चुराए मेरे पैसे, खुदा के लिए मेरे पैसे मुझे वापस दिलवा दो। बहुत मुश्किल से जमा किए थे मैंने पैसे, मुझे मेरे पैसे वापस दिलवा। कितनी गिरे क्या बात है, आज बड़ी चुप चुप हो? सोच रही हूँ कि हम गरीबों की भी क्या जिंदगी होती है। एक तनख्वाह के बाद दूसरी तनख्वाह का इंतजार करना और इसी में सारी जिंदगी गुजर जाती। तुम्हारे घर का दस्तूर भी तो निराला है, एक कमाने वाली और चार चार खाने वाली। लेकिन फिर भी किसी को इस बात का एहसास नहीं है। सब लोग अपनी अपनी फरमाइशें करते हैं, जैसे मैं किसी खजाने के मुंह पर बैठी हुई। तुमने ही आदतें बिगाड़ रखी हैं सबकी। क्या करूं मैं ना, एक के बाद एक परेशानी खड़ी हो जाती है। मैं तुमसे कहा था ना कि मेरे लिए कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढो। तुम जानती हो कि इस हफ्ते के बाद फैक्ट्री का ओवरटाइम काम भी खत्म हो जाएगा, मेरी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक काम है अगर तुम हिम्मत करो। हाँ बताओ मुझे। नहीं नहीं पागल हो गई हो तुम? तुम्हें क्या पता कितनी मजबूर लड़कियां ये काम कर रही हैं? कम से कम दर दर की ठोकरें खाने से तो बेहतर है ना। खुदा का खौफ करो बिना, मैंने अपनी सारी जिंदगी बहुत इज्जत से गुजारी, घर वालों को इतना भरोसा है मुझ पर, मैं उनका आत्माद नहीं तोड़ सकती। पहले जमीर को मारना पड़ता है, गैरत को सुलाता है, और जब ढेर सारे नोट आते हैं ना तो सब आदी हो जाते हैं। तुम भी? क्या करूं मजबूर हूं। हाँ मैं भी यही काम करती हूँ, लेकिन है ना तुम अपने घर वालों से नजरें कैसे मिलाती होगी? जब घर में खुशहाली आने लगती है ना तो किसी की आंखें कुछ नहीं पड़ती। और अगर किसी ने देख लिया तो
हम उन बड़े इलाकों में जाते हैं जहां हमारे जानने वाले जाने के ख्वाब भी नहीं देखते। नहीं है ना? नहीं। दूसरों के सामने खुद को पेश करना, अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती है। सायरा, जरूरतें ऐसी ही पूरी हो सकती हैं, वरना क्या है, घर वाले की बातें सुनते रहो, जलते रहो, फुरते रहो। और वैसे भी तुम्हें अम्मा को भी देखना है, अपना घर भी बसाना है, सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तुम्हारी, आगे तुम्हारी मर्जी। जल्दी जल्दी कर लो, जाना नहीं है क्या? अरे कहाँ से आई है मोटरसाइकिल? अम्मा जिसकी लाठी उसकी भैंस। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तूने मोटरसाइकिल खरीद ली? अम्मा क्या हम गरीबों की काया कभी नहीं पलटेगी? क्या ऊपर वाले की मेहरबानियां और रहमतें हम पे नहीं बरस सकती? ये अल्लाह की मेहरबानियां नहीं, तेरी कारिस्तानियां हैं। बता, तूने सायरा के पैसे नहीं चुराए? हद करती हो अम्मा, फिर मुझे क्या जरूरत थी उसके पैसे चुराने की? और अगर ऐसे काम करने हो ना तो शहर बहुत है डाके मारने के लिए, तभी तो अपने बेटे का भरोसा कर लिया कर अम्मा। चला तुझे फालूदा कुल्फी खिला के लाऊं। तुझे बता दूं, मेरी अम्मा ने पहले ही अपने भाई की लड़की ताड़ रखी है, उसको तो बहाना चाहिए बस। इधर तुम लोगों ने देर की, घर वो मेरी शादी अपनी मर्जी से कर देगी। तुम्हें क्या पता कितनी मजबूर लड़कियां ये काम कर रही हैं? कम से कम दर दर की ठोकरें खाने से तो बेहतर है ना। पहले जमीर को मानना पड़ता है गैरत को सुला कर, और जब ढेर सारे नोट आते हैं ना तो सब आदी हो जाते हैं। और वैसे भी तुम्हें अम्मा को भी देखना है, अपना घर भी बसाना है, सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तुम्हारी, आगे तुम्हारी मर्जी। हेलो हिना, मैंने सोच लिया है जिंदगी भर ना से, लेकिन अगर अपने गुर्बत को मिटाने के लिए अपनी गैरत को मार दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा हिना? वैसे भी जिस घर में मैं रहती वहां इज्जत और खैरत का तो रोज ही जनाजा निकलता है। वैसे आजकल सायरा पे नजर नहीं है तुम्हारी। क्यों, अब क्या हो गया? रात 12-12 बजे वापस आती हैं मोहतरमा। हाँ वो अम्मा कह रही है कि मैं कोई पार्ट टाइम काम देख रहा है, वहीं जाती है बेचारी, और क्या करने है। शाम में बंसावर कर जाना और रात गए वापस आना, मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। क्या हो गया तुम्हें, हर वक्त उस पर शक करती रहती हो? एक तो बेचारी हमारे इस घर को चलाने के लिए दिन भर धक्के खाती, और तुम्हें बड़ी हमदर्दी आ रही है बहन से, इतनी मोहब्बत है उससे तो फिर धक्के खाओ ना उसके बदले, काम क्यों नहीं करते हो? हाँ जा रहा हूँ काम पे, जगह बात हुई आज मेरी। कोई एक बार तुमसे मिल ले ना तो दोबारा तुम्हारा नाम तक नहीं लेता, किसने बात कर ली तुम्हारे काम की? तुम ही बताओ क्या करूँ मैं, मुकद्दर से लड़ूं? बताओ ना। बात करती है, आड़ में जाओ, घर में बैठकर अन्य खानी झाड़नी आती है। लेकिन सायरा बीबी,
तुम्हारे इतराज को तो मैं फाश करके रहूंगी, ऐसी आग लगाऊंगी कि सब जल जाएगा। आने दो सलीम को आज। कितनी गिरे, कल रात में आया था तो भी नहीं थी वो घर पे, आज भी वही हाल है। अरे बेटा रमजान आने वाले हैं, इसलिए जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही। अरे तो क्या सारे रमजान उसके लिए आ रहे हैं, किसी और को फिक्र नहीं है घर में? क्यों, तुम्हें हमारे घर के हालात का नहीं पता? अरे खाला माफ करना, जो हाल तुम्हारे घर का है ना वो किसी और के घर का नहीं है। फोन भी नहीं उठा रही है। कैसे हो सलीम? ठीक हूँ। तुम्हारी आंखों की ठंडक नजर नहीं आ रही आजकल। हाँ मैं भी दो चार दिन से आ रहा हूँ, मगर भाई बुरा मत मानना, बात कुछ अच्छी तो नहीं मगर। क्या क्या बताओ। अब मैं क्या बोलूं, तुम्हें घर में बिखरी खुशहाली नजर नहीं आ रही क्या? अम्मा ने अपने कमरे के लिए रंगीन टीवी ले लिया है, बावर्ची खाने के लिए माइक्रोवेव, और अगर तुम घर को गौर से देखो ना तो तुम्हें बैठक के पर्दे भी बदले नजर आएंगे सारे। हाला तो कह रही थी वो ओवर टाइम कर रही है, ये देर से आती है। अब रहने ही दो ये बातें, शाम में घर आकर दोबारा बंद सवर के निकल जाना और रात देर तक वापस आना, ये कौन से ओवर टाइम का हिस्सा है ये मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ, और माफ करना तुम भी बच्चे तो नहीं हो। क्या मतलब, क्या कहना क्या चाह रही हो? अच्छा चलो छोड़ो, घर जाओ और सुकून से मेरी बातों पे गौर करो। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ? ये सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए था। हाँ वो बताया तो था कि वो फैक्ट्री में नई मशीनें लगी हैं ना, तो सुपरवाइजर ने रोक लिया था। पापा तो कह रही थी कि तू ओवरटाइम कर रही है। नहीं वो मेरा मतलब ये है कि मैं, मतलब तो अच्छी तरह समझ आ रहा है मुझे। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए। ये टाइम शरीफों के घर में रहने का है, घर में आने का नहीं है। मेरी बात तो पहले सारा एक नौकरी करती थी ना तो घर में लाले पड़े होते थे, अब जब से रात का धंधा शुरू किया है तो रात को बन संवर कर जो ओवर टाइम लगाती है वो मैं भी जानती हूँ, और तुम भी बच्चे तो नहीं हो। वाला का बयान अलग था और सायरा ने अलग झूठ बोला। मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी, इसका मतलब है भाभी गलत नहीं कह रही। सायरा मुझसे बेवफाई कर, वो धोखा दे रही है मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा इंतजाम लूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। मतलब तो अच्छी तरह समझ आ रहा है मुझे। ये टाइम शरीफों के घर में रहने का है, घर में आने का नहीं है। सलीम मेरे बारे में मशकूक सा हो गया है।
रात को भी उसके तेवर कुछ बदले हुए से थे। बस कल मैं आखिरी बार जाऊंगी। वैसे भी मेरी सारी जरूरतें तो पूरी हो चुकी हैं। हाँ, फैक्ट्री की नौकरी ही काफी है मेरे लिए। लेकिन लेकिन मैं सलीम को कुछ नहीं बताऊंगी। इज्जत का भरम रह जाए ताकि ताकि वो मुझे ब्याह कर तो ले जाए। तेजाब है? दे दो। मैंने सायरा से मोहब्बत की थी, मगर वो मेरे प्यार को रोंद कर अपनी ख्वाहिशों के पीछे निकल गई। आज मैं उसे बताऊंगा कि सलीम से बेवफाई का मतलब क्या होता है। जिस खूबसूरत चेहरे पे इतराती है, आज मैं उसे जला दूंगा।